हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल व्लॉग ऑटो में। मारुति सुजुकी स्विफ्ट बहुत पॉपुलर गाड़ी है इंडिया में और उसका अब सीएनजी वर्जन जो है वो स्पाइक किया गया है, वो टेस्ट किया स्पाइक किया गया है टेस्टिंग के दौरान। तो क्या है सारी जानकारी, कब है इसका लॉन्च टाइमलाइन, ये सब आपको बताएंगे अभी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि स्विफ्ट जो है वो इंडिया में एक बेस्ट सेलिंग कार है और इसने सारे रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं। और ये गाड़ी इस समय सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल वर्जन में अवेलेबल है। जी हाँ, क्योंकि मारुति ने डीजल इंजन बंद कर दिए। जो डीजल इंजन की सबसे ज़्यादा सेल थी वो स्विफ्ट और इन गाड़ियों में थी, रिट्स गाड़ियों में थी, तो वो बंद होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो इस कंपनी अब, क्योंकि तेल के दाम बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो कंपनी अब सोच रही है क्यों ना इसको सीएनजी पे शिफ्ट किया जाए। तो जो बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं वो भी सीएनजी के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें आज की डेट में पेट्रोल की गाड़ी चलाना करीबन 7 रुपये के आसपास पर लीटर का खर्चा आता है पेट्रोल की गाड़ी चलाने में। वहीं पे सीएनजी का देखा जाए तो 40 से 45 रुपए की सीएनजी मिलती है और करीबन 1 किलो सीएनजी में 32 से 33 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है। तो आप ये मान के चलें कि 1.25 से 1.5 रुपए पर किलोमीटर का खर्चा जो है वो सीएनजी के ऊपर आता है। तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं सीएनजी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा शहरों में भी सीएनजी जो है वो आ गई है। तो इसी चीज़ के देखते हुए जो कंपनी ने सोचा है कि ऑथराइज सीएनजी जो है वो OEM की तरफ से ही क्यों ना दे दी जाए। इसी चीज़ को देखते हुए मारुति ने जो सीएनजी है वो ऑल्टो, वैगनार, सिलेरियो, एस्प्रेसो, इको और एटिगा में दी थी, जो कि बहुत पॉपुलर हुई और बहुत जल्दी ही स्विफ्ट और डिज़ायर के अंदर भी सीएनजी आपको देखने को मिलेगी। इसी चीज़ के चलते स्विफ्ट जो है वो स्पाई की गई है। ऑटोमोटिव एंथुसियास्ट हैं अक्षय सिंह, पूरा क्रेडिट उनको जाता है इस फोटो के लिए, जिन्होंने मारुति सुजुकी स्विफ्ट को ऑन टेस्ट देखा है रियर विंडस्क्रीन में। और जो गाड़ी है वो बिल्कुल एमिशन टेस्टिंग इक्विपमेंट के साथ अटैच दिखाई देती है और एक जगह आपको डिज़ायर की सीएनजी भी टेस्ट करते हुए दिखाई दी है। तो अगर देखा जाए तो स्विफ्ट जो है वो सारे के सारे बेनिफिट्स आने वाले हैं सीएनजी जो फैक्ट्री फिटेड किट से आती है। मारुति जो है वो सीएनजी की बहुत अच्छी तरह से यूनिक फ़ीचर जो हैं वो बड़े अच्छी तरह से उसको जो है सीएनजी कारों के अंदर इंकॉर्पोरेट करती है। और जो सीएनजी कार है उनके अंदर एक यूनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है जो कि एक ऑप्टिमल एयर फ्यूल रेशियो को मेंटेन करता है। शैसी, सस्पेंशन, ब्रेकिंग अपरेटेंस सब कुछ ट्वीक किए जाते हैं ताकि जो और परफॉर्मेंस है वो पूरी की पूरी तरह से हर जगह इसकी मिले। जो आफ्टर मार्केट किट्स आती हैं उसके अंदर आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। सेफ्टी फ्रंट पे भी जो है मारुति क्लेम करती है कि सीएनजी जो है इवेल्यूएट की गई है ड्यूरेबिलिटी और क्रैशवर्दीनेस के लिए, जो कि आफ्टर मार्केट किट्स नहीं बता पाती हैं। कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल होते हैं सीएनजी किट के अंदर जो लीक प्रूफ है और स्पेशल सिस्टम्स इसके अंदर इंस्टॉल होते हैं ताकि शॉर्ट सर्किट का खतरा ना रहे। दोस्तों, आप सीएनजी किट बाहर से लगवा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आजकल डीजल इंजन्स में भी सीएनजी किट लगती है, लेकिन जितने भी मैंने पॉइंट अभी बोले, जैसे कि क्रैश टेस्ट जो हैं, कोरोजन, इसके अलावा जो लीकिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री फिटेड किट्स में ही मिलती हैं। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा फ़ायदा जो है सीएनजी जो है वो बहुत ज़्यादा चीपर है कंपेयर टू हमारे पेट्रोल के दौरान। मैंने आपको पहले ही बताया, हालांकि सीएनजी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गई है कंपेयर टू इसके प्रीवियस, उसमें पहले करीबन 18 रुपये प्रति किलो मिलती थी आज से करीबन 8-9 साल पहले, और अब 44 रुपये प्रति किलो के आसपास वो बिक रही है। लेकिन फिर भी आप पेट्रोल के दाम देखें तो आप उस समय पेट्रोल के दाम 50-55 थे और आज पेट्रोल के दाम 100 से ऊपर हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए सीएनजी पे जाना एक अच्छा ऑप्शन है। स्विफ्ट जो है वो 1.2 लीटर पेट्रोल के साथ आती है जो 89 bhp की पावर निकालता है और 113 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकालता है। 5 स्पीड मैनुअल, 5 स्पीड AMT के साथ आती है। 23 के आसपास इसकी एवरेज है, 23 किलोमीटर प्रति लीटर की आपकी एवरेज है। अब अगर सीएनजी की तरफ स्विफ्ट जाती है तो इसका जो है वही इंजन मिलेगा, जो है वही पूरा का पूरा किट मिलेगा जो कि वैगनार 1.0 लीटर में आता है। उसमें आपको करीबन 32 से 33 किलोमीटर एक केजी पे वैगनार निकाल देती है। तो उम्मीद करते हैं कि स्विफ्ट भी जो है करीबन 30 से 32 किलोमीटर प्रति किलो के आसपास जो है एवरेज निकाल देगी। जो सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक जो है वो है सीएनजी का है, इसका पावर बहुत कम हो जाता है। जैसे वैगनार के अंदर नॉर्मल पेट्रोल इंजन में आपको 67 bhp मिलता है, लेकिन सीएनजी के दौरान आपको 58 bhp ही मिल पाता है।
लेकिन दोस्तों ये भी तो आपको देखना पड़ेगा कि कितना ज़्यादा कॉस्ट है इसमें कम। आप रनिंग कॉस्ट इतना ज़्यादा कम हो जाता है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपैरेटिवली बात करने लग जाते हैं, क्योंकि निक्सॉन इलेक्ट्रिक जो है वो करीबन 1.5 किलोमीटर प्रति लीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट के हिसाब से भी आता है। उस हिसाब से देखा जाए तो CNG बिल्कुल भी बुरी नहीं है। तो जिन शहरों में CNG ऑलरेडी अवेलेबल है उन शहरों के लिए स्विफ्ट CNG एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आने वाले कुछ ही समय में CNG का जो है स्विफ्ट वर्जन लॉन्च होगा। उम्मीद करें कि हो सकता है ये मार्केट लॉन्च अक्टूबर के आसपास हो, अगस्त से अक्टूबर के बीच में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही ये गाड़ी लॉन्च होती है इसके बारे में आपको सारी जानकारी ला के देंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।